वीडियो वीडियो तो चलती रहेगी, बट आई वांट टू जस्ट गिव यू सैल्यूट मेरे भाई। इस वीडियो में हम घर बनाकर उन्हें डोनेट कर रहे हैं और हर एक घर एक परिवार का जीवन बदल देगा, जैसे कि ये परिवार जिनके पास अपना घर नहीं था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हमने उनके लिए घर बनाया है। आंखों की पट्टी हटाइए और पीछे घूमिए, आपके पीछे है आपका नया घर। ओह, मुझे इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, वो खुशी से पागल हो गई है। मुझे हमेशा इसके लिए बंक बेड चाहिए था, आज मेरा सपना पूरा। ये उन 100 घरों में से पहला घर है जिसे हम डोनेट कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये खुश है। चलो एक और घर डोनेट करते हैं। इस वीडियो में हम जो भी घर बना रहे हैं उसके जरिए हम यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगियों में सुधार ला रहे हैं जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, और हमने सिर्फ इस वीडियो में इन घरों को बनाने के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। दिस इज सो गुड भाई, दिस फील सो गुड। ये सुनने में ही कितना मतलब एक दिल को ना छूने वाली बात लगती है कि किसी के पास घर नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा है जो इफेक्ट हुआ है आपके थंडर से या कोई भी डिजास्टर से, एंड कोई बंदा आता है और उसको घर दे जाता है, तो यार कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आई थिंक वी नीड क्रिएटर्स लाइक मिस्टर बीस्ट इन इंडिया। और देखो, तुमने देखा घर ज़्यादा बड़े नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है, एक फैमिली के लिए बहुत ही नॉर्मल घर है वो, अच्छा घर है, हर चीज़ है उसमें, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा खर्चा आएगा, तो आई बिलीव ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वी नीड क्रिएटर्स लाइक देम। क्योंकि यहाँ जमैका में 5 लाख से ज्यादा मुश्किल और खतरनाक परिस्थितियों वाली जगहों में रह रहे हैं, जैसे ये अगला परिवार जिनका घर इतना असुरक्षित और अस्थिर है कि ये किसी भी समय उन पर गिर सकता है, तो ये जगह आपने बनाई है। सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये किसी भी समय उन पर गिर सकता है, तो ये जगह गिरना भी नहीं होगा ना, अगर गिरना भी नहीं होगा, बेचैत गिरा दे उनके ऊपर गिरा दे। बनाई है? हाँ, वो भी खुद से। हाँ, मैं ये बोर्ड्स और बाकी सब चीजें लेकर आया था। लेकिन हम पहाड़ की चोटी पर है, तो ये सारा सामान ऊपर तक आप खुद लेकर आए हैं? हाँ, अपने सर पर। वाह, हम जानते थे कि हम इस परिवार के लिए एक घर बनाना चाहते हैं, तो हमने उन्हें बाहर घूमने भेजा ताकि हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर उनके लिए एक नया घर बना सके। भाई तुम देख रहे हो, इट इज मजबूत, देख रहे हो तुम, बहुत ही नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, मेरे को ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन लग ही नहीं रहा भाई। ठीक है, वुड है आपका, प्लाईज है आपका, अंदर बाथरूम होगा बढ़िया, नीचे टाइल्स मतलब वो है, क्या बोलते हैं इनको, ग्रेनेड है शायद से, मतलब प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर शायद से वॉशरूम है साइड में। आप एक ऐसे परिवार को देखने जा रहे हैं जो इस घर से अब इस घर में रहने जा रहे हैं, और अच्छा, मैं उनके चेहरों पर खुशी देखने के लिए बेताब। Oh my gosh. आपके सामने पेश है भाई, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, सारे जमैका के जितने भी लोग हैं इनके सबके 3-3 बच्चे हैं भाई, पहले वाली फैमिली के भी 3 बच्चे थे। आपका नया घर, आप सबको बाहर घूमने भेजना तो बस एक बहाना था ताकि हमें आपके घर को बनाने के लिए थोड़ा वक्त मिल सके। अंदर से देखना चाहोगे? चलो अंदर चले। अच्छा, इसमें UPS है आपका। हमने देखा कि आपके पास फर्नीचर नहीं था, तो हमने इस घर को फर्नीचर। भाई You gave them a sofa, 2 sofa, ठीक है, you gave them a, शायद से ये वो है, चूल्हा है ये, ठीक है, स्टोव है ऊपर, यहाँ पर शायद से चिमनी चुमनी वाला सिस्टम है, खिड़की प्रॉपर है, किचन प्रॉपर है, फिर से भर दिया, और बिजली के साथ साथ इस घर में आपके लिए पानी की टंकी भी लगा दी। No, water irrigation है, we got 2 beds. आपके दो बच्चों के लिए इस कमरे में बंक बेड्स लगवाए हैं। Oh my God. और हॉलवे पार करने के बाद आपका बेडरूम दिखाई देगा। बढ़िया, और एक क्रिब आपके नए बेबी के लिए। चायरा, वो तुम्हारे लिए। बताओ यार, बहुत मुश्किल था, तुमने आकर जिंदगी बदल दी यार। ये रहे इस घर के ऑफिशियल कागजात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अनफॉर्चुनेटली इन परिवारों के रहने की कुछ जगहें बहुत असुरक्षित हैं, और कुछ मामलों में इनके जीवन को खतरा भी है, तो अभी ये परिवार यहाँ रह रहा है। उनकी मॉम का कहना है, दिस तुम देखो, ये वाला घर है ना जो, ठीक है, ये जो घर दिख रहा है, ये मेरे को नहीं लगता किसी भी एंगल से ना, इस कमरे से, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये इतना सा कमरा है, ठीक है, इसी में ही खाना है, इसी में ही पीना है, इसी में हगना, इसी मूड, एवरीथिंग इन जस्ट दिस रूम, ठीक है। और मैं तुम्हें पहले ही बताया, ये इज जस्ट 5 feet दिस साइड एंड 5 feet अबव, तो बस इतना सा कमरा है भाई ये, और इसी में ही भाई पूरी जिंदगी निकालना। जब भी बारिश होती है यहाँ हर जगह पानी लीक होता है, इनके बच्चे भीग जाते हैं और सो नहीं पाते, लेकिन आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हमने ये नया घर आपके लिए बनाया है, ये रही चाबी। ओह माय गॉड,
मुझे नया घर मिला। लेकिन जाहिर है हम सिर्फ यही नहीं रुके, हम जमैकन फैमिलीज के लिए एक के बाद एक घर बनाते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक कि हमारे 100 घर बनकर पूरे ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अगली मंजिल पर एक नदी है जो हर साल सैकड़ों घरों को नष्ट कर देती है। बरसात के मौसम में ये नदी अचानक बाढ़ लाती है और सभी घरों को बहा ले जाती है। यो तो भाई एक मोमेंट के लिए, ठीक है, एक मोमेंट के लिए वीडियो को साइड में छोड़ दो, ठीक है, एंड मिस्टर बीस्ट की एडिटिंग को साइड और एक साइड रख दो। मिस्टर बीस्ट भाई अलग ही कुक कर रहा है, मिस्टर बीस्ट अलग ही कुकिंग कर रहा है अपने किचन में। जस्ट सी द ट्रांजेक्शन, ठीक है, तुम देखना। को नष्ट कर देती है, अभी बरसात के मौसम में ये नदी अचानक बाढ़ लाती है और सभी घरों को बहा ले जाती है। तो फक हाउ इज दिस पॉसिबल भाई, इतना क्लीन, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, मिस्टर बीस्ट ने वहां पर कैमरे लगा रखे, ये आफ्टर इफेक्ट्स है, साफ पता चल रहा है ये VFX है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन ये कितना क्लीन था भाई। फंस जाते हैं, उन्हें भी बाहर ले जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक फ्रिज पड़ा है, उसके वहाँ पहुँचने का एक ही तरीका है, किसी का घर उजड़ा था। बिल्कुल सही। तो तुम कह रहे हो कि बाढ़ आने पर वो घर जिनमें फिलहाल परिवार रह रहे हैं उन्हें ये नदी आसानी से नष्ट कर सकती है? हाँ, सही कहा। लेकिन मेरे रहते हुए नहीं, क्योंकि कुछ ही मील की दूरी पर हमने इस कम्युनिटी के लिए कई सारे नए घर बनाए हुए हैं। सच में हम डोनेट कर रहे हैं ये घर, 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 बहुत सारे घर हैं। तो हमने मरिया और उसकी बेटी के साथ शुरुआत की, जिनका पिछला घर बरसात के मौसम में नदी के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है और ये जो बिस्तर है हर दिन उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं। भगवान ने मुझे मजबूत बने रहने में मदद की। अब आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। अब आप दोनों पीछे मुड़कर अपने नए घर को देख सकती हैं। तो पीछे घूमकर देखिए, तो ये है आपका नया घर। ओह माय गॉड, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, चलिए अंदर चलकर देखते हैं। ओ, आपको चुप्पी चाहिए? चलकर देखते हैं। ये कितना सुंदर है। जब वो नया घर देख रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि ये फ्री है। ओ, तुमने इन्हें सरप्राइज नहीं बताया? नहीं। हाँ, चलो इन्हें बताओ। इसके पैसे नहीं देने, ये सब आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए घर अभी तक इनको ये पता ही नहीं था ये फ्री है। उसने बाहर बताया था शायद से कि दिस इज योर न्यू हाउस। अच्छा, उनको ऐसा लग रहा था पैसे देने पड़ेंगे, तो रो क्यों रहे थे ये? Hey, congrats. ये क्या था? तुमने इन्हें कैसे नहीं बताया कि ये फ्री है? मैं यहाँ लेट जाऊँ? हाँ हाँ, सो जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है। आपको ये कैसा लगा? क्या मैं आपको गले लगा लूँ? तुम्हें क्या लगता है? हाँ बिल्कुल करो। हाँ, क्यों नहीं? थैंक यू। इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, इनकी खुशी तो देखो। तुम्हें पता भी नहीं है कितनी बड़ी मदद है। अब उस नदी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये है तुम्हारा मिस्टर बीस्ट। देख, वीडियो वीडियो तो चलती रहेगी, बट आई वांट टू जस्ट गिव यू फकिंग सैल्यूट मेरे भाई। सल्यूट मतलब कितने तोपों की सलामी दूं तेरे को, कितने मतलब तोपे नहीं है मेरे पास, ठीक है, वैसे मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से नहीं हूँ, बट अगर होता तो भाई तो तोपों की सलामी, क्या तेरे को बजूका की सलामी देता। बट भाई दिस वीडियो ना, मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता कि मेरे को लगता है कि मेरे को दो बार तो गूज़बम्प्स आ गए भाई, ये चीज़ देख देख के, ठीक है, जस्ट ओ भाई। नए घर में मजे करना छोटू, इन्हें एक नया बेबी हुआ है तो हमने इन्हें एक क्रिब भी दिया। बेटा, हमें एक अच्छा घर मिल गया। मेरे पीछे इन घरों को देख रहे हो जिनके भाई, देख रहे हो तुम, ये प्रॉपर रास्ता है। यू गॉट दीस प्लांट्स ओवर हियर, यहाँ पर प्रॉपर घर है। ओ भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, दिस इज सो। सामने परिवारों को खड़ा किया है, हम इन्हें किडनैप नहीं कर रहे हैं, हम इन सबको घर एक साथ दे रहे हैं। 8 परिवारों की जिंदगियां अब बदलने वाली हैं। सभी लोग ध्यान दें, आंखों से पट्टी हटाइए और पीछे मुड़कर अपने नए घर पर नजर घुमाइए। कांग्रेचुलेशन। सच में ये फ्री है? नए घर के लिए शुक्रिया जिमी। मुझे नीचे जाकर उनके रिएक्शंस देखने हैं। आपको नया घर कैसा लगा? थैंक यू। कांग्रेट्स। इनसे पूछो इन्हें घर पसंद आया या नहीं। घर अच्छा लगा? तुम्हें घर अच्छा लगा? अब इनसे पूछते हैं, आपको कैसा लगा? थैंक यू। उम्मीद है पसंद आया। अब ये आखिरी वाला घर, आपको घर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ओह, व्हाट द फक, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये और बिल्ड हो रहे हैं? क्यों नहीं? देखो, ये 8 घर तो चलो यहाँ पर है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट सी दिस, ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है, लोग देख रहे हैं जिनके अच्छे अच्छे घर रहे, ठीक है, वो चिढ़ेंगे, उनकी गेंद फटेगी, तभी मिस्टर बीस्ट, क्या होता है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अगर मिस्टर बीस्ट
ये सबको ऐसे देते ना अलग अलग घर, तो तुम्हें पता ही है रिश्तेदार मादरचोद गांडू होते ही है, वो ऑब्वियस ही बात है। तो मिस्टर बीस्ट ने क्या करा है, सबको एक जगह दे रखा है घर, तो विच प्रूव्स कि ये ज़्यादा लोग साथ रहेंगे, ठीक है। और क्या होगा ना, ज़्यादा लोग अगर अच्छे जिन्होंने बिल्ड करके दे रखा है ना, बाकी लोग इनसे चिढ़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर और लोगों ने देखा कि यार उसको तो नया घर मिला है, मेरे को तो मेरा वही पुराना घर, ठीक है, तो क्या होता है ना, गांड फटती है एंड यू ऑलवेज नो समवन स्मेल्स लाइक शिट ओवर देयर। तो इसलिए मिस्टर बीस्ट ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट कराई है कि सारे के सारे घर एक ही जगह पे है। यहाँ आ जाओ, मेरे पास सेल्फी से भी कुछ बेहतर है। क्या तुमने इसे फुटबॉल के बारे में बताया? क्या तुम इनके साथ फुटबॉल खेलोगे? हाँ, चलो अच्छी बात है, क्योंकि हम ना सिर्फ इस कम्युनिटी को घर डोनेट कर रहे हैं बल्कि हम उन्हें ये बड़ा फुटबॉल का मैदान भी तोहफे में दे रहे हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चे इंतजार कर रहे हैं और हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। यहाँ ये लोग पहली बार एक ब्रांड न्यू फुटबॉल का मैदान देख रहे हैं। चलो फुटबॉल खेलें, नए फुटबॉल फील्ड के मजे उठाओ, जाओ मजे करो। और जाहिर है कि नए मैदान में खेलने के लिए बच्चों को नए इक्विपमेंट भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सब बहुत मजे करो, मुझे नहीं पता कि मैदान काफी। सर आई थिंक दिस कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन, ठीक है, जो ये मिस्टर बीस्ट कर रहा है ना इन सब लोगों के लिए, आई थिंक दिस कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तो 6-7 दिन पहले पोर्चुगल वर्सेस जॉर्जिया होता है, फुटबॉल का मैच होता है जिसमें जॉर्जिया पोर्चुगल को हरा देती है, बीइंग द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स उनको हरा देती है, जिसमें रोनाल्डो उनको हरा देती है। एंड तुम मानोगे नहीं, एक टाइम ऐसा भी था जब जॉर्जिया और इंडिया की फीफा रैंकिंग, फुटबॉल फीफा की रैंकिंग सेम थी, ठीक है, उन दोनों की रैंकिंग सेम थी। लेकिन उस टाइम ना रोनाल्डो एक कैंप खोलता है, एक क्लब जैसा खोलता है जॉर्जिया में, जहाँ पर प्लेयर्स आते हैं, अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं, दे वर्क ऑन देयर गेम, सब कुछ करते हैं, ठीक है, दे टेक गेम सीरियसली, ठीक है। क्यों? क्योंकि रोनाल्डो ने हेल्प करा था, सब कुछ निकल के दे इम्प्रूव देयर रैंकिंग, ठीक है, उनकी रैंकिंग बढ़ती है, वो यूरोस के लिए क्वालिफाई होते हैं। एंड मूविंग टूवर्ड्स आज, वो रोनाल्डो की टीम को हराते हैं भाई, जिस बंदे ने उनको एक टाइम में फुटबॉल खिलाना सिखाया, उनकी गेम इम्प्रूव करवाई, उनको उस लेवल तक पहुंचाया, आज वही लोग उसको हरा रहे हैं। तो तुम उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो ये सारे बच्चे दिख रहे हैं ना, इनमें से भी कल को कोई रोनाल्डो बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ठीक है, और वो अप्रिशिएट करेगा भाई, वो अप्रिशिएट करेगा मिस्टर बीस्ट को कि जिस टाइम हम ब्रोक थे, जिस टाइम हमारे घर वालों के पास कुछ भी नहीं था करने को, उस टाइम एक बंदा आया था मिस्टर बीस्ट के नाम से और उसने हमारे लिए ये करा था। ठीक है, ये लो फीस्टेबल्स, यहाँ लोगों को फीस्टेबल्स बहुत पसंद है, मुझे और फीस्टेबल्स लाने चाहिए। अगर तुम भी फीस्टेबल्स का छोटा सा रिव्यू देखना चाहते हो तो यहाँ पर आई का छोटा सा ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो और देखो फीस्टेबल्स कैसी लगी मुझे, और अगर तुम भी खाना चाहते हो तो तुम कैसे खा सकते हो उसे। इसने बिल्कुल सही कहा, फीस्टेबल्स हर्शीज से बेहतर है। लेकिन इस कम्युनिटी के बाद मेरे को नहीं लगता उसने ऐसा बोला मिस्टर बी। हर एल साल्वाडोर में और भी कई परिवारों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की सख्त जरूरत थी, तो जाते जाते हमने जितने हो सके उतने घर बनाए, लेकिन अब तक सिर्फ आधा ही सफर हुआ है क्योंकि अर्जेंटीना में एक छोटे से कम्युनिटी को हमारी मदद की जरूरत थी। मैंने रोनाल्डो बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम मेसी के शहर जाओ। और हमने एक के बाद एक घर बनाए ताकि इस कम्युनिटी के हर एक बच्चे के पास सीखने और बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। लेकिन काम अभी भी बाकी है, तो हम सीधा मेक्सिको गए जहां हमने इन सभी कम्युनिटीज के लिए एक के बाद एक घर बनाना जारी रखा। और जब हम अपने अगले डेस्टिनेशन कोलंबिया कितने तो हमने जाना कि यहां कुछ लोग हैं जिनके घर को भयंकर तूफान ने अपना शिकार बना लिया था। ये अगला परिवार भी ऐसे ही घर में रहता था, मैंने कहा रहता था क्योंकि एक तूफान ने उसे नष्ट कर दिया। और ये साफ है कि मिस्टर बीस्ट भाई, तू ये ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, ये जो हमारी गांड फाड़ रहा है तू बीच बीच में, है थोड़ा सा बंद कर इसको, है हमें देखना है तू कैसे हेल्प कर रहा है लोगों को, हमें नहीं, हम अप्रिशिएट कितने कामों के लिए करे भाई, तू घरों में रहा नहीं जा सकता। तो हमने जॉन और एना के लिए एक नया घर बनाया और हमें बस उन्हें ये नया घर सौंपना है। इस परिवार को नहीं पता कि हम इन्हें एक नया घर देने वाले हैं। बस यहाँ आकर खड़े हो जाओ, ठीक है, पट्टी हटाओ। कॉन्ग्रेट्स, शायद आपको ये सपना लगेगा लेकिन ये घर सच में आपका है। आप दरवाजा खोलना चाहेंगे? ये सब सरप्राइज है, मुझे नहीं लगता उन्हें विश्वास हो रहा है कि ये उनका ही घर है। भाई दीज आर द रियल टीयर्स भाई, जो तुम बिग बॉस में अनिल कपूर को रोता हुआ देख रहे हो ना, दैट आर नॉट द रियल टीयर्स, ठीक है। वो वड़ा पाव वाली आ रही है, सड़ी सी शक्ल लेके बोल रही है कि मैंने तो वड़ा पाव फेमस कर दिया, छोले भटूरों को मार दिया, बेबजड़ी की
ना आंड का ना पांड का, ठेकेदार बनू पूरे बनवाण का, इंचत कुछ करा नहीं है जिंदगी में, बड़ा पाव बेचा है ठीक है। बंदी को देखने आ रहे लोग, उसको सोच रही कि अबे चोद क्या ही बना दिया मैंने बहने की, अबे मादर भी। तब बोलोगे चोद वुमेन अब्यूज कर रहे हो यार। ये भले ही कुछ ना कहें लेकिन आंसू सब बयां कर रहे हैं। कॉन्ग्रेट्स दोस्त, कॉन्ग्रेट्स, ये तुम्हारा है। ये कितना बड़ा है, पहले हमारे पास बस आधा अधूरा कमरा था और अब पूरा घर है। हमारा भी एक घर है। कोलंबिया में सिर्फ जॉन और एना ही ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें मदद की जरूरत थी, तो आप जान ही गए होंगे कि हमने बाकी लोगों के लिए क्या किया। तुम्हें ये घर पसंद आया? अरे इसके मुस्कान को देखो। दुनिया में हर किसी को अपने सिर पर एक दुनिया सब एक तरफ, इसको देखो, एक कुत्ता किसका हाथ ले, किसकी डेड बॉडी ले जा रहा है भाई तू। सुरक्षित छत होने का हक है, लेकिन हर घर को डोनेट करने का प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं था। मैंने गलती से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। फर्नीचर अब भी बाहर है जिन्हें हमें अंदर रखना है। परिवार यहाँ आ चुका है। खिड़की पर ग्रिल है तो हम अंदर भी नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हम बहुत बुरे फंसे। ठीक है गाइस, परिवार आ चुका है, वक्त खत्म हो गया। नामुमकिन, क्या ये सच है? एए, क्या हाल है? यहाँ आ जाओ। ओके, तो पता नहीं मुझसे ताला टूट गया और मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा। लो, तुम कोशिश करो, शायद मैं बेवकूफ हूँ। लो, खुल गया। ओ, क्या? तुमने ये कैसे किया? हो गया। क्योंकि तू बेवकूफ है मेरे भाई। क्या हम बेवकूफ हैं? चलो बॉयज, काम पर लगो। और हालांकि मैं ताला खोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अंदर से देखें, इन्होंने अब तक अंदर का कोई भी फर्नीचर। बेंचोर, मैंने एक चीज नोटिस करी, भाई तुम एक चीज देखो, ये घर ये ठीक है, ओके अच्छा है, बट बेंचोदी क्या है ये क्या है? ये टिका हुआ कैसे है भाई घर? ये तो इंच पे टिका हुआ है भाई, गिर नहीं जाएगा ये? क्या सीन है? ये देख रहे हो, ये बेसिकली कुछ सीमेंट का है और ये सरिये और ये हवा में झूल रहे, क्या सीन है? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अंदर से देखें, इन्होंने अब तक अंदर का कोई भी फर्नीचर नहीं देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि होजे और उसके परिवार के पास अब खुद का एक घर है। अब घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी सुना कि इनका ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया है, इसीलिए एक और सरप्राइज है। हमने तो मिस्टर बीस्ट इनको टेस्ला दे सकता है। मिस्टर बीस्ट लैम्बोर्गिनी तो नहीं, लैम्बोर्गिनी नीचे लगेगी। मिस्टर बीस्ट इनको कौन सी गाड़ी सकता है? टेस्ला ठीक रहेगा क्योंकि वो ऊंची भी है, इट इज अ गुड ऑप्शन मिस्टर बीस्ट। और आप कोई 4x4 दे सकते हो। हमारे लिए एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल भी खरीदी है। ठीक है, मोटरसाइकिल इज आल्सो गुड, माउंटेन वाली है, पर ठीक है। ये लो चाबी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। Yeah! अब इनके पास एक नया घर है और एक नई बाइक भी। और फिर मैं सोचने लगा कि इन घरों को डोनेट करते करते मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और इस ट्रक में इसका हल है। खोलो इसे। हमने इस गांव के हर एक बच्चे के लिए साइकिल्स खरीदी। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। कोई बात भाई, ये चीज भाई गूज बम्स दे रही है भाई। अभी मेरा कैमरा वैन जो 2000 का दिखेगा नहीं तुम्हें, बट भाई This is fucking giving me goosebumps भाई। मम्मी का सब, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, इंचो तो अगर तुम्हें लग रहा हो भाई, This is seriously भाई giving goosebumps भाई। ठीक है, आप पहले 100 घर डोनेट करते हो, उसके बाद एक बंदे को आप बाइक दे देते हो, उसके बाद बहन चोद जितने भी गांव में बच्चे हैं सबको साइकिल दे रहे हो और एक फुटबॉल ग्राउंड। ओह रे, थैंक यू मिस्टर बीस्ट। और कोलंबिया के इतने सारे घर बनाने के बाद हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक ही घर बचा था, और आखिरकार घर नंबर 100। आंखों की पट्टी हटाइए और अपने नए घर को देखिए। भाई बाकी तो ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कांग्रेट्स भाई। ये देखो यार, ये क्या सीन है भाई, मेरे को प्लीज यार, अगर देखो, मुझे पता है तुम लोग कभी भी मेरी वीडियोस में कमेंट नहीं, भाई एक बार ही बता दो बस मुझे, ये क्या सीन है भाई, ये देख रहे हो तुम, जस्ट लुक एट इट यार। ये एक मतलब मेरे को ये क्या बोल, सीमेंट है ठीक है, लेकिन ये तो ऐसा है और ये सीधा भी नहीं, टेढ़ा है। व्हाट द फक इज दिस, क्यों कैसे हो रहा है, मतलब हाउ डज दिस वर्क? कांग्रेट्स, अंदर जाके देखिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इन घरों को बिल्ड करने के लिए हमारे पार्टनर्स को थैंक यू, और हाँ आपका भी शुक्रिया, क्योंकि सच कहूँ तो अगर आप ये वीडियोस नहीं देखते तो हम 100 घर कभी नहीं बना पाते, और अगर चैनल ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं फ्यूचर में ऐसे 1000 घर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।